इसे दिल्ली से अजय सिन्हा ने पूछा है। भय और चिंता में क्या भेद है? पहले आओ जानते हैं भय क्या है। भय वस्तुतः सुरक्षा भाव है, सुरक्षा भाव है, क्योंकि जिंदगी परमात्मा ने हमें दी है, तो इस जिंदगी ये धरोहर है, इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो इसलिए सुरक्षा भाव भी हमें दिया है। अगर हमको सुरक्षा भाव नहीं हो तो फिर हम ट्रक सामने से आ रहा है, हम क्यों हटेंगे? लेकिन एक सुरक्षा भाव है, भाई ट्रक आ रहा है सामने से, हमें हट जाना चाहिए, नहीं तो ट्रक हमें कुचल देगा। तो एक सुरक्षा भाव, इसको मैं एक पॉजिटिव भाव मानता हूँ। लेकिन जब भय अति हो जाए, भय का जब अतिरेक हो जाए, सुरक्षा भाव का अतिरेक हो जाए, तो असुरक्षा भाव में बदल जाता है, और ये असुरक्षा भाव जो है ये भय। मृत्यु भय सबसे बड़ा भय, मुख्य भय तो मृत्यु भय, और बाकी सब छोटे छोटे जो भय है इसी के लघु संस्करण है। और भय का संबंध, भय एक अनुभूति है, भय एक अनुभव है, और भय का संबंध नाभि चक्र से, प्राण तत्व से, तीसरे चक्र से, मणिपुर चक्र से है। अब आओ जानते हैं कि भय का कारण क्या है। अब जब हम भय की बात कर रहे हैं तो असुरक्षा भाव वाले भय की बात कर रहे हैं, सुरक्षा भाव वाले भय की बात नहीं कर रहे हैं। तो भय का कारण क्या है? असामयिक मृत्यु की संभावना, ऐसा कहीं किसी रोग के कारण जल्दी मर न जाए, कोई रोग हो न जाए। अब बहुत सारे लोग कैंसर के बारे में सुनते रहते हैं तो उनको लगता है कि हमें कैंसर कहीं ना हो जाए, तो भयभीत रहते हैं। बहुत से लोग करते हैं कि इनकम टैक्स का हमारे यहाँ रेड ना हो जाए, अगल बगल देखते हैं, सुना है कि इनकम टैक्स का रेड होता है, और है कुछ नहीं, मुश्किल से एक स्कूटर घर में है, और वो सोचते हैं कि इनकम टैक्स का है, तुम्हारे यहाँ इनकम टैक्स क्यों होगा, रेड होगा। लेकिन लोग भयभीत रहते हैं कि का, तो असामयिक मृत्यु की संभावना है, रोग की संभावना है, दुर्घटना की संभावना है, उसी तरह से निजी सुरक्षा पर खतरे की संभावना है, कि कहीं दुश्मनी है तो लगता है कि कोई हमारी जान न ले ले या हमारे हानि न पहुंचा ले, चोरी की संभावना है, डकैती की संभावना है, और जैसा हमने कहा जान पर खतरे की संभावना है, कि आतंकवाद फैल रहा है, पता नहीं क्यों हमारी जान का कोई दुश्मन ना आ जाए। तो इस तरह से ये जो असामयिक जो कुछ होने की संभावना है, या रोग कुछ हो गया उससे मृत्यु की, लेकिन कहीं ना कहीं ये मृत्यु का ही सब छोटा मोटा संस्करण है, चाहे जान पर खतरा हो या निजी सुरक्षा पर खतरा हो या असामयिक मृत्यु की संभावना हो। तो इस तरह से आदमी एक भयभीत जिंदगी जीता है। तो अब आओ जानते हैं कि चिंता क्या है। फिर भविष्य में अनहोनी या बुरा होने का एक सतत विचार चिंता है, सतत विचार कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो उसी तरह बुरे या प्रतिकूल परिणाम की आशंका चिंता है, कि हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम भविष्य में कहीं बुरा ना हो जाए, कहीं प्रतिकूल ना हो जाए। इसी तरह से जब चिंता गहरी हो जाती है, गहरी चिंता तब एक रोग हो जाता है, इसे एंजाइटी रोग कहते हैं, और इसका संबंध अनाहत चक्र से है। जैसे भय का संबंध मैंने बताया तीसरे चक्र से है, लेकिन चिंता का जो संबंध है वो अनाहत चक्र से है, चौथे चक्र से है, सब कॉन्शस से है, अवचेतन से है। तो चिंता का कारण क्या है, क्यों चिंता लोगों को होती है? धन का नाश होने की संभावना, इससे चिंता हो जाती है। जैसे व्यापार है, व्यापार कर रहे हैं, पता नहीं घाटा ना लग जाए, कहीं बहुत बड़ा घाटा ना लग जाए, तो इससे चिंता हो जाती है। फिर स्वास्थ्य पर खतरा, कोई असाध्य रोग हो गया, अब चिंता होती है कि क्या ये रोग ठीक होगा कि नहीं, कहीं इस रोग के कारण हमारी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो स्वास्थ्य पर जब भी खतरा आता है तो चिंता हो जाती है। और असफलता की संभावना, ज़्यादातर लोगों की चिंता असफलता की संभावना से जुड़ी होती है। जैसे तुमने कोई प्रोजेक्ट खोला, तुमने स्कूल खोला, कहीं स्कूल में बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, स्कूल चलेगा कि नहीं चलेगा, या हॉस्पिटल तुमने खोला, हॉस्पिटल में पेशेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, तुमने क्लिनिक खोला,
तुमको चिंता हो गई कि पता नहीं क्लिनिक में इतना पैसा लगा करके हमने खोला, ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो असफलता की जो संभावना है ये सबसे ज्यादा चिंता पैदा करती है। तो तुमने पूछा है कि भय और चिंता में क्या भेद है, तो सात मुख्य भेदों की चर्चा करेंगे कि क्या भेद है। पहला भेद, भय जान पर खतरा है, कहीं न कहीं जान पर खतरे से भय का संबंध है, जबकि चिंतन मिशन पर खतरा है। तुम्हारे जीवन का कोई मिशन है तो वो मिशन खतरे में अगर पड़ने की संभावना पड़ती है तो वो बड़ी गहरी चिंता पैदा कर देता है। कहीं हमारा मिशन, यहाँ तक कि जान पर खतरे से भी इतनी चिंता नहीं होती जितना मिशन पर खतरे से। तुम स्पिरिचुअल, तुम्हारा मिशन है स्पिरिचुअल मिशन, कहीं हमको सफलता मिलेगी कि नहीं, कहीं हमारा आत्मज्ञान होगा कि नहीं, क्या हम जिस दिशा में जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी ये लीड नहीं करता, तो एक चिंता तुमको पकड़ लेगी कि हमारा पूरा जीवन दांव पर मैंने लगाया और ये कहीं भी पहुंचना नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बस ऐसे ही बंद गली के रास्ते की तरह हमारा रास्ता कहीं समाप्त हो जाएगा, उससे आगे कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा। तो मिशन जो है तुम्हारे जीवन में, कुछ हर व्यक्ति के जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट मिशन होते हैं और उसके कारण उसकी असफलता को सोच सोच करके खतरा हो जाता है। जो दूसरा भेद है, भय का संबंध ज्ञात से, तुम्हें पता रहता है कि हमको इस चीज का एक रोग है, हमको पता है कि कैंसर से भय है, हमको पता है कि इस रोग का भय है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब तुमको भय है। तो ये ज्ञात है, ये भय का संबंध, सामने सांप है तो सांप है, अभी सांप के चलते भय है, कहीं काट न लेगा, काट लेगा, तो ये भय जो है इसका संबंध ज्ञात से है। और चिंता का संबंध अज्ञात से है, पता नहीं क्या होगा, तुमको कुछ भी पता नहीं है, अज्ञात है बिल्कुल, तो चिंता का संबंध अज्ञात से है। फिर जो तीसरा भेद है कि भय यथार्थ है और चिंता पूर्वानुमान है, यथार्थ है, भय काल्पनिक नहीं है, सांप है खतरा है, डकैत है खतरा है, दुश्मन है खतरा, ये यथार्थ है, लेकिन चिंता बिल्कुल यथार्थ नहीं है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारा ये मानसिक रोग है कि है कुछ भी नहीं और तुम सोचे जा रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भय जो है, चिंता जो है, पूर्वानुमान है, एक कल्पना है, जबकि भय यथार्थ। जो चौथा अंतर है, भय का संबंध अनुभव से है और चिंता का संबंध जो है वो कल्पना से है, क्योंकि ये तुमको अनुभव है कि सांप तुमने देखा है, जाना है कि सांप ने लोगों को काट दिया, लोगों की मौत हो गई, तो ये तुम्हारी यथार्थ है, तुमने देखा है कि डकैती हो गई, लोगों को जान का खतरा हो गया, तो भय जो है वास्तव में ये अनुभव से आता है, जबकि चिंता बिल्कुल कल्पना है, कोरी कल्पना है। और फिर जो जो पांचवा भेद है, भय का संबंध वर्तमान से है, ये बड़ा मुख्य भेद है कि भय सामने है, सामने सांप है, सामने डकैत है, तो ये जो है इसका संबंध वर्तमान से है, जबकि चिंता का संबंध भविष्य से है, अभी नहीं कुछ हो रहा है लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है और ऐसा कुछ हो जाएगा तो अब क्या होगा उस समय, तो भविष्य से उसका संबंध है। जो छठा भेद है वो भय का संबंध जो है तीसरे चक्र से है, जैसा मैंने कहा मणिपुर चक्र से है, और चिंता का संबंध चौथे चक्र से है, सबकॉन्शियस से, अवचेतन से है, अनाहत चक्र से है। फिर जो छठा भेद है, जो सातवां भेद है कि भय बेचैनी पैदा करता है, और बेचैनी पैदा करता है तो कुछ करने की प्रेरणा देता है कि असुरक्षा है सामने तो कुछ करो, इससे एक ये हर बेचैनी रेस्टलेसनेस तुमको कुछ करने की प्रेरणा देता है, लेकिन चिंता तुम्हारी ऊर्जा को का शोषण कर लेता है, तुम्हारी ऊर्जा को कम कर देता है, तुम्हारी ऊर्जा को डाउन कर देता है और तुम पुरुषार्थ करने के काबिल नहीं रहते, जबकि जब भय अगर सामने है तो तुम्हारे पुरुषार्थ को जगाता है कि अपनी रक्षा के लिए कुछ करो, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करो, तो तुम पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित होते हो भय अगर सामने है तो, लेकिन अगर चिंता है
तो तुम्हारा पुरुषार्थ का लेवल डाउन हो जाता है, तुम पुरुषार्थ करने में भी सक्षम नहीं होते हो। हाँ।